ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 24th एक्सरसाइज 7A ऑफ आर एस अग्रवाल फैक्टराइजेशन क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24th है, इट्स लाइक क्या बोल रहा है ये, एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन ऑब्जर्व ये ए एक्स है और यहाँ क्या है, बी एक्स है. ठीक है, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि इसको सोचना कैसे है. अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही है इसके अंदर कि अगर मैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए मतलब इट्स अ होल स्क्वायर प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे तुम साइन चेंज करना वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाते हो देन ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट. हम लोग क्या ट्रिक करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज कि ये इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी क्वेश्चन एक्स वाई. ठीक है, इसको क्वेश्चन को इसको ओपन करो तो यू विल गेट दिस. ठीक है, अब इसको ओपन करो, प्लस एक सेकंड होल्ड करो, मान मैं बता रहा हूँ, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक बार मैं क्वेश्चन कर लूँ फिर बात करते हैं तुमसे, माइनस टू ए बी एक्स वाई. सो दिस इज व्हाट इज, अब इसको देखो आगे कैसे करेंगे. अब तुम उसको कैंसिल कर सकते हो दोनों को, कर दिया. अब तुम्हारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चार टर्म्स बचेंगी. अब इसके अंदर कॉमन ले लो. किसके अंदर कॉमन लोगे, रीअरेंज इट, दिस दिस एंड दिस दिस. तो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन अगर तुम लोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर और अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि हम लोगों को फैक्टराइजेशन कैसे करना है. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड ईदर बाय टेकिंग कॉमन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशियंट कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. सो व्हाट इज लेफ्ट इज यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, इसको जस्ट ओपन करो. ओपन करोगे तो ये चीज़ आएगी, इसको सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करोगे ये आएगा, इससे ये फैक्टर कट गया, ये बच गया. इसमें रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को साथ में ले लो, वाई स्क्वायर की टर्म्स को साथ में ले लो, कॉमन लिया और ये हो गया तुम्हारा आंसर. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन नंबर 24th ऑफ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7 है. थैंक यू सो मच.